Hi friends, welcome to Tally Digital Plus। दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीकॉम सेम 5 स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1। ये हमारा नया चैप्टर चालू होने जा रहा है, संकलन अने तेना उपयोगो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैली डिजिटल क्लास और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो बीकॉम सेम 5 स्टेट और चैप्टर नंबर 1 संकलन अने तेना उपयोगो। वीडियो इसके वीडियो सम स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में जो है सूत्र वगैरह जो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो सूत्र है वो आपके लिए आ सकते हैं और इसका क्या मायना है वो में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या की अगर हम बात करें तो व्याख्या जो है कि एक विकलन ध्येय ये जो है जी एक्स ए एक्स नु विकलन विधेय हो अने जो डी अपॉन एक्स जी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स था तो जी एक्स ने एफ ऑफ एक्स नु एक्स ने सापेक्ष संकलन कहेवामां आवे छे। और ये जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। ये बीकॉम सेम 5 स्टेटिस्टिक्स में सबसे हार्ड जो चैप्टर है वो यही है। काफ़ी ध्यान से आपको पढ़ना है इस चैप्टर में ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत ही टफ कह सकते हैं ये चैप्टर। दोस्तों बहुत ही टफ चैप्टर है ये। वैसे भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, हो सके इतने इजी में इजी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे से बन सकेगा उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सूत्र है, फर्स्ट जो सूत्र है संकलन, ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, संकलन बोलेंगे। संकलन एक्स नी एन घात इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स नी एन घात प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसके बाद सेकंड है संकलन वन प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह ये सब सूत्र है, ये सूत्र है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर याद रखने जैसा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप संकलन का चैप्टर कर रहे हो। तो उसमें सबसे पहले अगर हमें सम में a माइनस बी दिया हो, a माइनस बी का स्क्वायर दिया हो तो हम उसको अलग मतलब छोटा कैसे पाड़ेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी नो स्क्वायर। इसी तरह अगर ए प्लस बी नो स्क्वायर हमें दिया है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि ए माइनस बी नो स्क्वायर, ठीक है, तो इसको छोटा कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले ए नो स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद टू ए बी, ठीक है, सबसे ये माइनस है तो पहले हमने इसको माइनस ले लिया, फिर क्या ए नो स्क्वायर हो गया, अब क्या बचा बी नो स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इसको बी नो स्क्वायर ले लेंगे, प्लस आएगा। लेकिन दोस्तों अब हमें यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ ऊपर हमें माइनस दिया था, नीचे हमें प्लस दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, ए नो स्क्वायर प्लस प्लस दिया है तो हम यहाँ पर इसको प्लस लिखेंगे, प्लस टू ए बी, टू ए बी, फिर लास्ट में तो हमें प्लस ही लेना है, क्या बचा बी नो स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर हमें इसका घन दिया हो a माइनस बी नो घन, तो अब हम क्या करेंगे, a नो घन माइनस है तो माइनस थ्री ए ए नो स्क्वायर, थ्री ए नो स्क्वायर इंटू बी, इसके बाद प्लस थ्री ए बी नो स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी नो घन, ठीक है। इसी तरह अगर प्लस हो तो सिर्फ निशानी यहाँ पर चेंज करनी है, ये फर्स्ट में आपको निशानी चेंज करनी है और लास्ट में।
अगर यहाँ पर प्लस हो तो फर्स्ट और लास्ट में प्लस करना है, अगर माइनस हो तो फर्स्ट और लास्ट में निशानी हमें माइनस की करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर एक्स नी माइनस टू घात अगर हमें दी है तो उसको कैसे अलग करेंगे हम, तो माइनस है इसको हमें प्लस में करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये अंश में है तो इसको हम छेद में ले जाएंगे और ऊपर हम वन लिख देंगे, वन अपॉन एक्स नो स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वन अपॉन एक्स नो स्क्वायर है तो अगर इसको हमें प्लस ये अलग करना है तो हम क्या करेंगे, ये एक्स है उसको हम अंश में ले जाएंगे और निशानी इसके हम चेंज कर देंगे, ये प्लस था और इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो ये एक सम है मैं आपको बता देता हूँ, ये रकम है, आपको क्या करना है, ये रकम लिख लेनी है और सूत्र जो है वो आपको याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है सबको अलग अलग कर देंगे, थ्री एक्स नो स्क्वायर अलग कर देंगे, फोर एक्स नो घन, फाइव एक्स नो स्क्वायर, ये सब हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, थ्री एक्स नो फोर घात इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस है यहाँ पर तो हम यहाँ पर इसको प्लस लेंगे, फोर एक्स नो घन इंटू डी एक्स प्लस, ये विकलन जो है ये सब में आपको लगाना है, आगे सब में आपको लगाना है, फाइव एक्स नो स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद थ्री एक्स इंटू डी एक्स, ये दोस्तों यहाँ पर माइनस लेना है, ये माइनस है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर आपको सूत्र मैंने जो बताया है उसमें से अगर सूत्र आपको याद हो तो उसमें ये वाला सूत्र जो है वो अप्लाई होगा, n प्लस एक्स नी एन घात प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो क्या करना है, थ्री एक्स नी चार घात, x क्या है, x हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, n क्या है, तो जो हमें घात दी हुई है वो हमारा n है, उसमें हमें प्लस वन करना है, तो थ्री एक्स वैसा के वैसा ही प्लस चार प्लस वन तो कितना हो गया, पाँच, ठीक है। अब n नीचे छेद में भी हमें n प्लस वन करना है तो हम यहाँ का n प्लस वन कर देंगे और प्लस c सब में लगेगा तो वो ये लास्ट में हमें यहाँ पर लिख देना है प्लस c। इसी तरह फोर एक्स नी थ्री घात तो हमें तीन प्लस वन भाग्या तीन प्लस वन, इसी तरह फाइव एक्स नो स्क्वायर तो टू प्लस वन भाग्या टू प्लस वन, ऊपर जितनी घात दी है उसको प्लस वन करना है और नीचे छेद में ही हमें उतना ही लिखना है टू प्लस वन। इसी तरह थ्री एक्स अगर हम यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको एक घात मानकर चलते हैं तो एक प्लस वन और नीचे भी एक प्लस वन, लास्ट में हमें यहाँ पर सी लिख देना है प्लस सी। तो अब क्या करेंगे, थ्री ये फोर ये घात जो भी है प्लस प्लस करके हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, फोर प्लस वन तो पाँच, फोर प्लस वन तो फाइव, इसी तरह थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन, टू प्लस वन टू प्लस वन और वन प्लस वन वन प्लस वन, ठीक है। ये आपका लास्ट में ये आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बेसिक सम था, आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके वीडियो कैसे होते हैं, इसके सम कैसे होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा ले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।